और इसकी प्रॉब्लम ये है कि वो ज्ञान बहुत देता है यार, रॉन्ग नंबर पे ज्ञान दे दिया। वहां पे वो बोल रहा है बंदा, हेलो संतोष है, कहता संतोष होता नहीं भाई, करना पड़ता है जी। अच्छा यहाँ शार्क टैंक कौन कौन देख रहा है, लाइक ह्यूज फॉलोइंग? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बात करनी है क्राइम पेट्रोल के बारे में। मेरे पापा सिर्फ दो चीज देखते हैं टीवी पे, क्राइम पेट्रोल और न्यूज, आई डोंट नो विच वन इज मोर हार्मफुल। क्राइम पेट्रोल देखना है देखो, कोई इश्यू नहीं, बट अपनी बीवी से झगड़े के जस्ट बाद मत देखो, सेंड्स आउट द रॉन्ग मैसेज। वहां पे उस बंदे की बीवी का खून हो गया, ये यहाँ यस कर रहे हैं। और ना पता झगड़ा होता है ना घर पे, तो मुझे आदत पड़ गई है, मैं नरेट करने लग जाता हूँ, अनुपसोनी बन जाता हूँ भाई। यहाँ बाप बोल रहे हैं अरे यार रोटी जला दिए, मम्मी बोल रही है कल से खुद बना लेना, और यहाँ पे अक्सर वैवाहिक जीवन में झगड़े होते। बट लेट मी आस्क यू गाइस, कौन कौन यहाँ पे कुछ महंगा खरीद के अपने पेरेंट्स से डांट खाया है? बहुत यार, मैं 33 साल का हो गया हूँ, अभी तक अपने पापा से ना अमेजोन के पार्सल छुपा रहा हूँ, कहीं देखना ले प्राइस। सही में कुछ भी महंगा दिख जाता है ना वो डांटने लग जाते हैं यार, क्या 5,000 के जूते, इतने में तो हमारे 6 जूते आ जाते। मैं कहा डांटना है डांटो, मैथ्स के सवाल मत पूछो। मुझे बुरा लगना चाहिए, मैं डिवाइड करने लग जाता, अच्छा 6 8 40 2 0 ओके ठीक है। और इसलिए ना अब मुझसे प्राइस पूछते हैं ना तो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ ताकि उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाए। कितने के जूते? 5247.99। अब मुझे डांटने के लिए कैलकुलेटर लेके बैठते हैं वो, क्या 5247.99 के जूते, इतने में तो हमार, एक मिनट, 6.23 जूते आ जाते। मैं कहा सही जवाब, ये लो आपका गिफ्ट जूते आपका। आई अंडरस्टैंड इट दो कि दे हैव सीन टफ टाइम्स राइट, दैट्स व्हाई वो लोग हर चीज लास्ट तक यूज करते हैं, सेविंग्स करते हैं हर चीज भाई, हैंड वॉश टूथपेस्ट लास्ट तक यूज कर रहे हैं। मेरे पापा बनियान इतनी पुरानी पहन रहे, वो फैल के फ्रॉक बन चुकी है भाई, हवा चलती है लहराता है वो ला। निर्मा का पैकेट देखा, उसमें मेरे पापा ही है भाई। मैंने एक बार बोल दिया थोड़ा घूमना, थोड़ा फील लेनी है, वॉशिंग पाउडर। बट दे एक्सपेक्ट अस टू डू द सेम थिंग, ठीक है, विच इज वियर्ड यार, अलग दुनिया, क्यों हम सेम चीज करें राइट। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने कोचिंग के लिए बाइक मांगी थी, मैंने पापा कोचिंग बहुत ज्यादा हो गई है प्लीज मुझे बाइक दे दो, तो बोले कि मेरी ले जा, मैंने ये आपने खुद सेकेंड हैंड खरीदी है ठीक है, और उनकी बाइक थी सीडी डॉन ठीक सेकेंड हैंड। उस बाइक में सामने ऐसे जो हेडलाइट लगा है ना वो फूल गोभी जैसा, कोई मिल गया ना मुझे जिसने बनाई है बाइक, मैं बोलूंगा आपको शर्म नहीं आए, आपने टॉर्च पे चक्के लगाया और बाइक बोल दी इसे। भाई वो बाइक पुरानी नहीं बुजुर्ग थी, चलाने से पहले पैर छूने पड़ते थे टायर लागू पाउची आप चले, और वो 30 से ऊपर नहीं जाती थी यार वो बाइक ठीक है। और मेरे को चाबी दिए, कहते देख किसी को ओवरटेक मत करना। अगर 30 में किसको, ई रिक्शा को ओवरटेक कर भाई, वो बाइक में तू जा रहा है अगर देखो कोई टपली मार के भाग गया ना, तेरे को बाइक छोड़ के पैदल दौड़ना पड़ेगा। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं थोड़ा बगावत करता हूँ, मैं थोड़ा गुस्सा दिखाता हूँ, शायद मान जाए, नखरे करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं कहा छोड़ो ये सब, गुस्सा दिखाते हैं, मैं एक बार गुस्से में ऑटो में चले गया कोचिंग, सो दैट थोड़ा प्रेशर बन गया। भाई ऑटो वाला इतना हराम ज़्यादा, उसने पीछे जहाँ सामान रखते वहाँ बैठा दिया, तो ये एक मेटल प्लेट है वहाँ बैठा हूँ मैं इसे ठीक है, और इतना गड़ रहा था, मैं बोला हर हफ्ते तू शार्प करवा रहा है क्या इसको क्या है। मैं वहाँ बैठा हूँ भाई, वर्टिकल लाइन भगवान ने दी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटो वाले ने दे दी। मैं कहा क्या है, मैं पिछवाड़ा लेके चढ़ा था भाई, पाव ब्रेड लेके उतरा हूँ। वापस आधे टाइम दोस्त के साथ साइकिल में पीछे बैठ के आया, ग्रिल्ड वड़ा पाव। मैं समझ गया कि अच्छा ये पापा लोग नहीं माने, मैं कहा ठीक है फाइनली मैंने हार मान ली, मैं कहा ओके
यही बाइक ले जाते हैं। बट वो प्रॉपर अंकल वाली बाइक थी, साइड मिरर लगा है ना, साइड में प्लास्टिक का डब्बा। मैं कहा ये मिरर निकलवा दो एटलीस्ट। कहते मिरर निकलवा देंगे तो पीछे कैसे देखेगा मेरा, इससे जो हमारे पीछे गरीबी पड़ी ना वही दिखती है सिर्फ। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर पुअरर देन दे अपीयर। एक बार ट्रैफिक में एक बंदा तोड़ के चले गया एकदम, है ना। मैं बोला ओए, वो मुझे सॉरी बोला, मैं उसको थैंक यू बोला। मैं पहले दिन लेके गया, खराब पड़ गई, ठीक है, रास्ते में मैंने मैकेनिक को बुलाया, वो साला पल्सर में आया। बेइज्जती कर दी, ठीक है। तो मैंने एक फ्रेंड बनाया वहाँ पे, अब उसके साथ जाने लग गया। ही हैड अ डिसेंट बाइक, मैं कहा ठीक है। और ये वो बंदा है जिसको हर लड़की से बात करनी है, ही ट्राइज एटलीस्ट, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता बंदी है चुड़ैल है, वो बात कर लेगा। अगर चुड़ैल भी इस तरह मुंह करके खड़ी है ना, उसको पता नहीं है, वो उसको भी जाके बोल देगा एक्सक्यूज मी। अब वो अगर हंसते हुए पटी ना, यू लुक ब्यूटीफुल, उसका दोस्त बोल रहा है भाग भाई, पैर उल्टे हैं उसके। कमी किस में नहीं होती दोस्त, प्यार में थोड़ा एडजस्ट कर। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि वो ज्ञान बहुत देता है यार, रॉन्ग नंबर पे ज्ञान दे दिया। वहां पे वो बोल रहा है बंदा, हेलो संतोष है, कहते संतोष होता नहीं भाई, करना पड़ता है जीवन। मैं इस बंदे के साथ जा रहा था, तो इसका क्या, इसका एक लड़की से अच्छा बातचीत हो गया, दे बिकम फ्रेंड्स, और उसकी एक फ्रेंड थी, तो सिंस आई एम हिज फ्रेंड तो हमारी भी बातचीत हो गई और हम लोग की फ्रेंडशिप अच्छी होगी। देन वी बिकेम, वी गॉट टू द डेटिंग फेज। वो बोले डेट पे चलते हैं, डेट पे चलते हैं। अरे यार मेरी बाइक तो मुझे पता है, मैं अगर नहीं तो, देन शी सेड समथिंग जो किसी लड़की को किसी लड़के से बोलना नहीं चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। शी सेड आई लव यू फॉर हु यू आर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पैसे और स्टेटस से। मैं अला बहुत अच्छी बात है, मेरे पास दोनों नहीं है। तो मैं अला अब तो फंस गई है, मतलब अब बोलता हाँ अब चलो डेट पे। अब क्योंकि पलटेगी तो बाइक देख के तो हिपोक्रेट कहलाएगी मेरे को क्या। मैं कहा ठीक है चलो। वो आई बढ़िया तैयार होकर डेट पे, है ना, जीन्स और कुर्ती पहनी, हवा चल रही थोड़ा लहरा आ रहा है। मैं पापा की याद आई, मेरे दिमाग में बंदे वॉशिंग कर, ठीक है कोई बात नहीं। और मैं आया अपनी डुकडुकी में, मस्त आराम से। वो उसने मुझे देखा, फिर मेरी बाइक को देखा, अब मैंने उसे देखा और क्लियरली दिख रहा था आई लाइनर, मेकअप और पछतावा। फिर वो आई, उसका मूड तो खराब हो गया था ऑब्वियसली, बट लेकिन बोले चलो ठीक है चलते हैं। वो बैठने वाली थी ऐसे, मैं कहा रुको रुको रुको, एक साइड पैर करके बैठो, क्या कर रहे हो। तो उसका दिमाग खराब हो गया, तुमको क्या लगता है लड़कियों को सिर्फ बड़े बड़े डिसीजन में प्रॉब्लम होती है, ये सब छोटी मोटी रोक टोक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, मैंने कहा वो बात नहीं, इस तरफ डब्बा लगा यूं बैठना पड़ेगा तुम्हें।